तुम मुझे हाई भेजो जल्दी से व्हाट्सएप पे, मैं दो वीडियो भेज रही बराबर है। शिवांगी राखी बच्चे सपोर्ट कर आपने हाई नहीं भेजा, भेज दे ये देखो, ये सबको दे दो ना वीडियो, ठीक है मैं दे देता हूँ मीडिया ग्रुप में डाल देना। हाँ दो मिनट बस, दो मिनट बस पानी में, ठीक है ऐसी सही है। भाई साहब आप आ गए, धन्यवाद। मेरे नोट्स निकालो। बहुत ज़्यादा संभालो ना, सबका वायर का पंगा है, सब एक साथ नीचे गिरेंगे। बेबी एक छोटा काम करो, एक सेफ्टी पिन पीछे निकाल दो इधर से, मेरा सर पे पूरा पल्लू नहीं आ रहा। हाँ वो निकाल दूँ? हाँ निकाल। निकाल दिया। हाँ चलो गाइस रेडी है, कर लो राखी जी आप यहां देखना इस कैमरे में तो सेंटर हो जाएगा वो सब तो देख के बात। राखी जी इधर सामने देखिए, मैं ऐसे सामने ही देखता हूं। चलो रोलिंग गाइस, साइलेंस प्लीज, क्वाइट प्लीज। चलो रोल दरवाजा बंद कर दो भाई, बंद कर दे हमारे। तो राखी जी आपके ऊपर डिफेमेशन केस जो फाइल किया गया है 10 करोड़ का मानहानि का दावा, उस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहन फ्रेंड कलीग को स्टार तनुश्री जी ने मुझ पे 10 करोड़ का वो जो केस है डेफेमेशन का किया है, मैं एक आज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा सैड हूँ कि क्यों किया है मुझ पर ये केस। पहले शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी तनुश्री दत्ता ने, न्यूज़ चैनलों में जाके उन्होंने ये कहा कि मेरा बिगेस्ट इंसल्ट हुआ है कि मेरा रिप्लेसमेंट राखी सावंत को किया, कोई क्लासी गर्ल लेते तो इसका मतलब क्या है मैं लोअर क्लास हूँ। तनुश्री आपको लोअर क्लास मुझे कहने का क्या अधिकार था? मतलब ये लंगूर और अंगूर की कहानी है दोस्तों, मैं आज बताना चाहती हूँ। मैं हिंदुस्तान की नारी हूँ और मैं ये स्टोरी मैं कभी किसी को बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन आज मैं हिंदुस्तान को मेरी आप बीती 12 साल पहले की बताना चाहती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। हाँ मैं अंगूर हूँ और तनुश्री दत्ता लंगूर है, क्योंकि उन्हें यह अंगूर नहीं मिल पाया इसलिए उन्होंने मुझ पर 10 करोड़ का डेफेमेशन का केस किया है। बहुत मीडिया खेल रही हैं आप, कंट्रोवर्सी खेल रही हैं, अभी आप कानून और कोर्ट खेलेगी तो मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। आज से 12 साल पहले मुझे बहुत शर्म आ रही है और बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि मेरे साथ भी रेप हुआ था, मेरे साथ बलात्कार हुआ था। मुझे ये शब्द कहने नहीं चाहिए, एक बींग अ गर्ल बहुत शर्म आ रही है मुझे ये कहते हुए। मेरे आंखों में आंसू है, मेरे हृदय छिलनी है,
मुझे अंदर से इतनी तकलीफ हो रही है, आज तक मैंने जबान नहीं खोली, लेकिन बॉलीवुड को ऐसे बदनाम किया जा रहा है। हर लड़की बहती गंगा में हाथ धो रही है, चलती ट्रेन पकड़ रही है। इतना दुख हो रहा मेरे अंदर कि मैंने कहा अब मुझे मुंह खोलना चाहिए, अब मुझे कहना चाहिए कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है। किसने किया? दोस्तों, मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि घिनौनी हरकत मेरे साथ हुई है, एक बार नहीं, बार बार। बट मुझे नाम लेते हुए बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मुझे धमकियां मिली जा रही है मारने की, गैंग रेप की मुझे धमकियां मिल रही है। पुलिस स्टेशन में भी मैं कंप्लेंट लिखवा चुकी हूँ। आप देख रहे हैं मेरे हाथों में पसीना आ रहा है, मैं कितनी डर रही हूँ उनका नाम लेने के लिए। बहुत मीटू मीटू हो रहा है, अब मैं चाह रही हूँ कि शीटू हो। तो राखी सावंत का बलात्कार रेप बार बार तनुश्री दत्ता ने किया है। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है कि एक लड़की लड़की का बलात्कार कैसे कर सकती है। 377 कानून लागू हो गया है, किस पे लगा है आप जानते हैं, ही टू ही, शी टू शी। आपको क्या लगता है तनुश्री दत्ता ने बाल क्यों मुंडवाए थे? वो एक लड़की नहीं, लड़का है। हाँ, अंदर से वो एक पूरा लड़का है। तनुश्री दत्ता ने आज से 12 साल पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तनुश्री दत्ता, तुम मिस इंडिया हो, तुम मिस इंडिया हो, मैं मानती हूँ। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तनुश्री दत्ता, तुम भूल गए रेव पार्टी में? रेव पार्टी में तुम मुझे 2-3 बार लेकर गई, अलग अलग पार्टियों में लेकर गई। तुम कहती हो ना तुमने, मैंने तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाए। तुम वो सिगरेट खाली करके उसके अंदर से तंबाकू निकाल के उसके अंदर जो मसाला भर रही थी, कौन भर रहा था, कौन भर रहा था वो मसाला? वो मसाला ग्रीन ग्रीन कलर का, और बाद में तुम लेती थी उसे, क्या वीड कहते हैं मुझे नहीं पता। तो क्या आपको भी दिया था उन्होंने? हाँ, मैंने भी लिया था इसके चक्कर में 2-3 बार। मैं तो फ्लाई करने लगी थी, उड़ने लगी थी। हाँ, मैंने लिया था। मैं तो नहीं, मुझे तो लगा सिगरेट है करके। मैं तो नादान थी, इनोसेंट थी, मेरे मुंह में ज़बरदस्ती डाल रहा था। और आपको मैं बताऊं, मैं आज मीडिया की बातों का जवाब देने ने मैं अपने आप बीती सुनाने आई हूँ कि वो एक लेस्बियन है। सिर्फ मर्द ही रेप नहीं करते, एक लड़की भी रेप करती है। बहुत हंसी आ रही होगी आपको, लेकिन ये बात सच है, ये बात सच है। उनका का सामर्थांगन कहीं पे एक घर था उनका, मैं वहां गई थी लोखंडवाला में, 2-3 घर उन्होंने चेंज किए। सबूत भी है मेरे पास, एक मेल और एक फीमेल, सबूत है मेरे पास। आज से 12 साल पुरानी कहानी, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा तनुश्री, मैं हमेशा एक फीमेल की इज्जत करती हूँ, हमेशा मैं हर महिला की इज्जत करती हूँ, लेकिन तुमने एक सोई हुई नागिन को जगाया है। मैं खामोश थी अब तक, मैं अब तक खामोश थी कि जाने दो, जाने दो, तुमने झूठे झूठे इल्ज़ाम नाना पाटेकर जी पर लगाए। मैं खामोश रही, मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगी, जाने दो। और तुमने तो मुझ पर 10 करोड़ का केस किया, तुमने मुझ पर 10 करोड़ का दावा किया है, मैं तुम्हें 50 करोड़ का करती हूँ। मेरी बहन, शायद आपके वकील ने आपको बताया नहीं है कि जज साहब जो है ना, कोर्ट में पहले 2-3% कितने परसेंट भरने पड़ते हैं ना, तो पहले 10 लाख रुपए आप कोर्ट में भरिए। मैं तो भर दूंगी 50 लाख रुपए, है ना? तो आप 10 करोड़ का मुझ पे दावा कर रही, तो मैं आप पे 50 करोड़ का करूंगी। बहुत सताया है तुमने मुझे। तुम कहती हो मैं मिस इंडिया हूँ, उस वक्त मिस इंडिया हूँ। हाँ, तुम मिस इंडिया हो, मैं भी मिस अंधेरी वेस्ट हूँ, समझी? अब तुम्हारा अत्याचार नहीं चलेगा। वो किसके शो में जाके बहुत चिल्लम चिल्ली कर रही हो, तुम्हारे साथ वो एंकर भी इतना चिल्लम चिल्ली कर रहा है,
वो गोस्वामी कौन है, अर्नब गोस्वामी जी के साथ, उन्हें क्या लगता है इंग्लिश में इतना चिल्लम चिल्ली करने से लोग आपकी सच बात को मान लेंगे? नहीं मानेंगे। चिल्लाने से सच साबित नहीं होता। कोर्ट में मैं भी कहूँगी कि तुमने तुम्हारी उंगली का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया। हाथ खाने के लिए दिए जाते हैं, कहीं और इस्तेमाल करने के लिए नहीं। मुझे शर्म आती है कहते हुए भी कि तुमने मेरे प्राइवेट पार्टों के साथ तुमने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ तुमने मुझे टच किया है, यहाँ टच किया तुमने मुझे, कि तुमने मुझे मेरे जिस्म को कहीं का नहीं छोड़ा। तनुश्री दत्ता, तुम एक लेस्बियन हो, तुम मुझे इतना चाहती हो मुझे पता नहीं था, तुम्हारा प्यार इतना सच्चा है मेरे लिए। हाँ, तुमने अपने बाल मुंडवा दिए मेरे लिए, ये तो चैलेंज लगी थी ना, तुमने मुझे कहा था मैं तुम्हारे लिए बाल मुंडवा दूंगी, मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ, मुझे क्या पता था। तुम बहुत अच्छा गेम कर रही हो, बहुत अच्छा खेल खेल रही हो, पूरे बॉलीवुड को बदनाम कर रही हो, और तुम्हारे चक्कर में जिन जिन लड़कियों के पास काम धंधा नहीं है, काम नहीं है, जो इंडस्ट्री में हार चुकी है, ऑडिशन देते देते, स्किन टेस्ट और स्क्रीन टेस्ट देते देते, अब उनको लगता है कि हम न्यूज़ चैनलों में जाके बैठ जाएंगे तो शायद कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तनुश्री दत्ता के साथ उनके बहुत सारे फ्रेंड थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन थे। रेव पार्टी होती थी और मैं जाती थी, मुझे लेकर जाती थी तनुश्री, मैं तो काफ़ी लोगों के साथ गई हूँ वैसे पार्टियों में, नई नई थी, आप जानते कि मिका की पार्टी में भी एक बार गई थी। देखिए भाई प्लीज एक्सक्यूज मी, तो तनुश्री दत्ता ने सिर्फ रेप आदमी नहीं करता है, तनुश्री दत्ता ने भी किया है मेरे साथ, मेरे उन पार्टों को प्राइवेट पार्टों पे हाथ लगाया है। अरे क्वाइट प्लीज यार, क्या कर रहे हो आप लोग, ये वीड बहुत सारी चीजें, क्या चीजें होती है, फुल हाई होके आज तक मैंने नहीं तुम्हारा राज राज रखा तनुश्री, लेकिन आज मैं बता रही हूँ, तो मैं कोर्ट में भी कहूँगी ये सारी बातें जज साहब के सामने। तो कोई लीगल एक्शन लोगे ये रेप के खिलाफ? हाँ, क्यों, सिर्फ एक आदमी औरत के साथ करता है तो वो होता है केस, अब तो 377 ना वो तो लागू हो गया है ना, तो अब तो लीगली हो गया है ना, तो मैं कहती हूँ ना कि तनुश्री दत्ता ने मेरा रेप किया है, अब और कितनी बेशरम हूं मैं। राखी पण तुमच्या वरतीच केस झाल्यावरती तुम्ही हे सगळं बोलता, म्हणजे याच्या आधी तुम्ही हे डिक्लेअर का नाही केलं? या तनुश्री को भी पूछिए ना, आप तनुश्री को भी पूछिए ना कि 10 साल के बाद वो सारे केस वो ला रही है, तो मैं अभी तक खामोश थी एक लिहाज करते हुए, मैं नहीं चाह रही थी कि मैं अपने आप को दुनिया को पता चले कि मेरे साथ राखी सावंत नाम है, किसी को मार देती है, राखी सावंत पटक देती है, लेकिन एक दोस्त नहीं, एक लड़की नहीं, दोस्त दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, जिंदगी भर का जहर, हाँ जिंदगी भर का गम इनाम दिया है, वो तो मेरे दोस्त थे ना। बहुत आप लोगों को मजाक लगता होगा, लेकिन इस दुनिया में भी लेस्बियन है, अब उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, फिल्म इंडस्ट्री में भी है, और किसी का नाम लेके मैं बदनाम नहीं करना चाहूंगी। तनुश्री का इसलिए ले रही हूं क्योंकि उसने मुझ पर केस किया है, और अभी मैं जज साहब को सब बताऊंगी, मैं भी एक लड़की हूं, मैं भी भारत की नारी हूं, इस अबला का तबला बजाया है उसने, नहीं छोड़ूंगी तनुश्री मैं तुम्हें। देखिए जब उनके कोई एडवोकेट है वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं, और वो कह रहे कि तनुश्री मिस इंडिया थी और उनके काम को बहुत फर्क पड़ा है,
तो उनके वकील को ये कहना चाहती हूँ कि 10 साल से उसने कोई काम नहीं किया है तो उसके करियर को फ़र्क कहाँ से पड़ेगा, कोई फिल्म आई नहीं है 10 साल से, और उनका नाम बदनाम, तो बदनाम तो नाम इन्होंने मेरा भी किया है, मुझे भी लोअर क्लास बोला है, तो इस दुनिया में लोअर क्लास बोलने वालों पर कोई कानून नहीं है? आप हाई क्लास है ना, मैं लोअर क्लास हूँ, तो मैं भी, मुझे आपने बदनाम किया है और आपने मेरा बलात्कार किया है, एक बार नहीं बार बार। जी राखी, आप मुंह तोड़ जवाब देने तैयार हो तो क्या जब पुलिस आपसे सबूत मांगे? मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर ये कहना चाहती हूँ, मोदी जी आपने मुहिम छेड़ी है बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बट ये देश की बेटी ये कह रही है कि अब आदमी बचाओ आदमी बचाओ, ये मुहिम मोदी जी, मैं आपको कहती हूँ अभी कल लड़कियां निकलेगी कहेगी कि मोदी जी ने मेरे साथ ये किया है, तब आप क्या कहेंगे? आदमियों को बचा लो, देश के आदमियों को, जो जो स्पेशली इनोसेंट आदमी है, ये क्या हो गया हमारे देश की बेटियों को, ऐसे गलत 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 इल्जाम लगा रही है। 12 साल के बाद आपने ये खुलासा किया कि तनुश्री दत्ता ने आपके साथ? जी जी जी, सारे न्यूज़ चैनलों में सब 12, 12, 15, 15, 14, 14, 16, 16 साल के बाद ही आ रहे हैं, आधे लोग तो अभी कब्र से निकल के आने वाले हैं जो गुजर चुके हैं, वो महिलाएं जो बुजुर्ग हो चुकी हैं, वो पुरानी हीरोइनें, अभी बहुत सारे ऐसे नाम निकलने वाले हैं, अशोक कुमार जी का, एंगल एके अंगल जी का, ऐसे नाम आने वाले हैं, इनको बदनाम किया जाएगा। तो आप मुझे, आपको कोई अधिकार नहीं है मुझे ये पूछने का कि मैं 12 साल के बाद क्यों आई हूँ, है ना? आ रहे हैं ना सब लोग, अभी तो 50 साल 100 साल के बाद भी आएगा, अभी लोग उठेंगे, अभी और कितना गंद होता है इस इंडस्ट्री में। कि जैसे कि आप कह रहे हो कि तनुश्री ने जो आरोप लगाया वो गलत है, तो आपको लगता है कि मी टू मूवमेंट जो है उसका मिसयूज हो रहा है? मैंने अभी आपको कहा ना कि अगर आपने मी टू मूवमेंट का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, अभी ही टू भी आना चाहिए और शी टू भी आना चाहिए। मेरे साथ जो अत्याचार हुआ है, मुझे कौन इंसाफ दिलाएगा? अब तो मैं किसी को, आज तो मैंने इतना खुलासा किया, अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही, अब तो मेरी शादी होने वाली थी वो भी नहीं होगी, बताइए कौन सा लड़का इस दुनिया में मेरा हाथ पकड़ेगा, बताओ आप? मीडिया बहुत इंसाफ इंसाफ करती है ना, तनुश्री दत्ता हर मीडिया में जाके बहुत चिल्लम चिल्ली कर रही है, मैं भी गुहार लगा रही हूँ मीडिया से इंसाफ के लिए। राखी जी, जैसे आपने कहा कि तनुश्री ने रेप किया है, दो एविडेंस है आपके पास, दो सबूत है, वो कौन है, उन दो के नाम जानना चाहूंगा। विटनेस में कोर्ट में पेश करूंगी, वो एक मेल है ओके, और एक फीमेल है ओके, वो उसके घर में ही मौजूद है। अच्छा। अभी है या नहीं मुझे नहीं पता। धमकियां कौन दे रहा है? धमकियां मुझे तनुश्री दत्ता दिलवा रही है, शायद वीडियो अब तक पहुंच ही गया होगा, मैंने कंप्लेंट करी थी पुलिस वालों को, दिया है, यूएस से पता नहीं कहां कहां से फोन आ रहे, कह रहा है तेरा बाप बोल रहा हूं, तनुश्री दत्ता को सपोर्ट कर, हैश मी टू को सपोर्ट कर, कितने गंदे गंदे वर्ड नाना पाटेकर की ले रही है, राज ठाकरे की ले रही है, ऐसे गंदे गंदे वर्ड्स मुझे बोले जाते हैं, ये करवा रही है सब। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ, सीबीआई से पूछना चाहती हूँ कि आप ये कॉल रिकॉर्ड देखिए, और ये हैश मी टू वाले कौन है, ये कोई अंग्रेज है? ये तो अमेरिका से आया हुआ है ना, अमेरिका से आया हुआ चीज़ है ना ये, और ये हैश मी टू वालों ने तनुश्री दत्ता को कितने पैसे दिए हैं इसे लॉन्च करने के लिए, बताइए ना। हिंदुस्तान यहाँ पे कितनी लड़कियाँ हैं जो स्ट्रगल, अभी वहाँ से आई है, स्ट्रगल कर ही रही है, दो चार महीने में उनके पास एसक्यू मर्सरीज गाड़ी आ जाती है, कहाँ से आती है? मैं पूछना चाहती हूँ कहाँ से आती है? और आप गलत गलत प्रोड्यूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, बॉलीवुड के लोग कभी रेप नहीं करते, कोई प्रोड्यूसर रेप नहीं करता,
मैंने अपनी आंखों से, मैं 15 साल से इंडस्ट्री में हूँ,